जिंदगी की साथ भी जिंदगी की बात भी कांग्रेस और जीवन काल तो लूट मरण काल तो लूट कांग्रेस और निर्वाचनी इस्ताहारक लई देश राजनीति गरम हुई आसे कांग्रेस और सम्पत्तिर पुनर वितरण प्रतिश्रुति लई देशजुरी हुई तीव्र प्रतिक्रिया एबार अंकल सेमे करिले अनेक विस्फोरण कांग्रेसरे विदेशी परामर्शदाता सेम पित्रदाय जेन बीजेपिर हातत तुली दिले आन एक अमुख अस्त्र सेम पित्रदाय कले भारतत हब लागे उत्तराधिकार आईन अमेरिकात एने आईन आछे एइखन अति सुंदर आईन किन्तु भारतत नाई अमेरिकार उत्तराधिकार आईन मते एजन लोके जीवनकालत उपार्जन करा सम्पत्तिर 55% सरकारक दिब लागे आरु बाकी 45% सन्ताने लाभ करे सेम पित्रदार ए मन्तव्यर पिछते प्रधानमन्त्री के धरि बीजेपी आरु शासकीय पक्ष कांग्रेसर समालोचनात मुखर होइ परिछे मोदीये एक निर्वाचनी सभात कय एतिया कांग्रेसे लुटर नतुन कौशल उद्भावन करिले जीवन कालतो लुट मरण कालतो लुट कांग्रेसे एतिया आपुनार सम्पत्ति आपुनार मृत्युर पिछत परियालक निदियार फंदी पातिछे जीवन कालत कांग्रेसे लगाब करर बुजा आरु तार पिछत काढ़ी लब आपुनार सम्पत्ति कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी लूट और जिंदगी के बाद भी लूट केवल मोदी नहय केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहेव सेम पित्रदार मन्तव्यर पिछत कांग्रेसक करे स्तुका आक्रमण पित्रदार मन्तव्य कांग्रेसर अभिसन्धि देशवासीर आगत उदंगाई दिले बुली कय अमित शाहे सेम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी या तो अपने मैनिफेस्टो से इस बात को विड्रॉ करे या उन्होंने स्वीकार करना चाहिए कि यही उनका मकसद है पिछे कांग्रेसे मानि नलय बीजेपिर अभियोग सेम पित्रदार मन्तव्यक বিজেপিয়ে বিকৃত করার অভিযোগ মল্লিকার্জুন খড়গে আর তেওর পুত্র তথা কর্ণাটকের মন্ত্রী প্রিয়াঙ্ক খড়গের I think what Mr. Sam Petroda is trying to say is that the wealth of the distribution of wealth should be equitable. The idea is to empower people at the bottom of the pyramid to ensure that we have an equitable society, both socially and economically. And that's what we have stated in our manifesto as well. ইপিনে কংগ্রেসৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমে বিজেপিক প্ৰত্যাহ্বান জনায় যে কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰত কোনটো দফাত কোনো সম্প্ৰদায়ক স্বজন তোষণৰ কিবা কথা লিখা আছে নেকি প্ৰমাণ কৰক Ask him to point out one paragraph in the manifesto which will lead to the conclusion that we're appeasing any section একে সময়তে সেম পিত্ৰদায় বিজেপিয়ে তেওঁৰ মন্তব্যৰ ভুল ব্যাখ্যা করা বলে সোশ্যাল মিডিয়াত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিজেপিয়ে কিয় ইমান শঙ্কিত হয়ে পড়েছে বলে মন্তব্য করে সেম পিত্রদায় কিন্তু এনেহেন এটা গুরুতর ইস্যু সহজে এড়ি দিয়া ভকত নহয় বিজেপি ছত্তিশগড়ত প্রধানমন্ত্রী কয় আপনার কষ্টের উপার্জন করা ধন এতিয়া আপনার সন্তানে লাভ নকরিব এই সকল যাব কংগ্রেসের হাতলৈ কংগ্রেসে নিবিচারে আপনার সম্পত্তি আপনার সন্তানে লাভ করক उनका हिडन एजेंडा बाहर आया है आज उन्होंने कहा है इनहेरिटेंस टैक्स यानी विरासत में भी लक्षणीय जे पित्रदार ए मन्तव्यर पर दाय एरा दिसे कांग्रेसे या पित्रदार व्यक्तिगत मन्तव्य बोली स्पष्टीकरण दिए जयराम रमेशे पिसे कांग्रेसे गा एरा दिलेओ एई पाद बान मारिबोलै नेरे बीजेपीए লক্ষণীয় হব সঁচাকৈ কংগ্ৰেছৰ ইস্তাহাৰ এইবাৰ দলটোৰ বাবে বুমেৰাং হব নেকি নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট